वेलकम टू माय चैनल कुक विद मीठू। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी एक चॉकलेट केक, लेकिन इस चॉकलेट केक में हम ना कोई चॉकलेट डालेंगे ना कोको पाउडर। इसे हम सिंपल कढ़ाई में बनाएंगे और विदाउट एग बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को शुरू करते। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रखेंगे। तो इसमें हम डालेंगे नमक, एक खाने वाला नॉर्मल नमक है, और इसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में रखेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया एक 6.5 इंच वाला केक टिन। इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें एक बटर पेपर रखकर इसे भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चाहे तो आप मैदा से भी इसे डस्ट कर सकते। तो अब इसे साइड में रखते हैं। अब हम एक बोल में लेंगे आधा कप दही, एक घर का फ्रेश दही है। इसमें हम लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली ऑयल मत लीजिएगा। और लेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। मैंने नॉर्मल चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके साथ मिलाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो एक छन्नी में हम लेंगे 1 कप मैदा। अब हम इसके साथ मिलाएंगे कोको पाउडर की जगह ए बॉर्नविटा। ये बॉर्नविटा तो घर में होता ही है, तो इसमें से मैं 4 टेबल स्पून ले रही हूँ। बॉर्नविटा में भी चीनी होता है, तो इसलिए मैंने पहले आधा कप चीनी लिया था। और इसमें कोको पाउडर भी होता है, तो इसलिए आपको अलग से कोको पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस केक का टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट केक की तरह ही आता है। और इसी के साथ हम लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो आप इसे छान लेंगे और ये जो दाने हैं इसे हम नहीं डालेंगे। अब इसे बहुत ही हल्के हाथों से और एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अभी बैटर जो है काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें हम डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर का आधा कप दूध ले लिया। अब दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे कट एंड फोल्ड मेथड में इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसके साथ मिलाएंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर, और इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बैटर तैयार है। तो अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लीजिए ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहे। तो अब हम इसे प्रीहीटेड कढ़ाई में रख देंगे और ऊपर से कवर कर दीजिए। अब हम इसे एकदम लो फ्लेम में 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिएगा। तो 40 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। तो केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है, लेकिन पहले इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो कोई टूथपिक नहीं तो नाइफ से इसे चेक कर लीजिएगा इस तरह से। तो देखिए टूथपिक एकदम क्लियर है, तो इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया। अगर टूथपिक क्लियर नहीं आता तो 5-7 मिनट के लिए इसे और थोड़ा सा बेक कर लीजिएगा। वैसे 40 मिनट में केक अच्छे से बेक हो जाता है। तो अब हम इसे यहाँ से निकाल के पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और ठंडा हो जाने के बाद एक नाइफ लेकर इसका साइड इस तरह से अलग कर लीजिए। फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इसमें जो बटर पेपर है इसे हटा लीजिए। तो लीजिए तैयार है हमारा एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी मॉइस्ट चॉकलेट केक। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए आपको अलग से कोको पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट केक की तरह ही होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।